के पास है, सुनील के पास है भाई। महाराणा प्रताप प्रेस द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय वॉलीबॉल का आयोजन और दूसरा एवं अंतिम दिन का आज की पहला खेला जाना सुनिश्चित हुआ है और बहुत अच्छा टेम्परेचर जो कि पानी की बोतल हमारे सत्यम रहेंगे तरीके से यही है हमारे इस समय सत्यम और इस दिसंबर के अंतिम दिनों में जारे की अभिनव और इस सेमीफाइनल का आयोजन दोनों ही टीमें ये जानती हैं कि ये सेमीफाइनल पांच सेट के ऑनलाइन चल रहा भाई साहब दोनों ही टीमें सुल्तानपुर का डिफेंस बहुत सुंदर असफल प्रयास के पक्ष में सर्विस 9 नंबर के खिलाड़ी द्वारा की गई सर्विस बहुत ही उत्तम ना उत्साहित दिख रहे हैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी तो फाइनल में क्या जोश होगा दोनों टीमों का जो भी पहुंचेगा है इसी बीच आपको बताते चले कि ये आज का पहला सेमीफाइनल और कल का आज का दूसरा सेमीफाइनल जो कि खेला जाना है महाराष्ट्र आमने सामने होना है आसान रास्ता है वही रेलवे क्रॉसिंग वाली रोड पर बहुत अच्छे भाई मनोबल बढ़ा हुआ है कि दोनों टीमें किसी से कम नहीं बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन इस महाराणा प्रताप ट्रस्ट के बीच का आयोजन इस बात की गवाह है द्वितीय अंतिम दिन और पहला सेमीफाइनल बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के बीच विचार करते हुए अपना अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं
देखिए जरा किसमें कितना है दम। दोनों ही टीमें आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य का भी प्रदर्शन कर रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा तालमेल दिख रहा है दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच में। रेफरी का इशारा अग्रसर। युवा उनके स्कोर की बढ़ोतरी। हमारा देश किसी की बात में या किसी भी चीज में विश्व में किसी से पीछे नहीं है। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भारतवर्ष में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जो हमारे नवयुवक खिलाड़ी होंगे उनमें कितना जोश होता होगा। बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन, जैसा कि आप कोई और बढ़ते हुए धीरे धीरे अपनी टीम के लिए अर्जित किए गए हैं, ये निर्धारित करेगा कि फाइनल में किसका प्रवेश हुआ। दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। प्रयागराज खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया ये शॉट खिलाड़ी और ये दमखम, ये बताता हुआ कि खेल खिलाड़ी और मैं। फिर एक बार जोश भरा शॉट मनोबल से और अपने प्रयागराज चंद्र साहस से देख सकते हैं दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। 40 वर्ष के आयु के ऊपर के खिलाड़ियों का ये कि कोई कमी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं फील्ड कोई भी हो, स्पोर्ट्स हो, संगीत हो, शिक्षा हो, भारतवर्ष में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जितना भारत में टैलेंट है शायद किसी देश में नहीं है, ये विश्वास कीजिए मेरी इस बात का। इस दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समागम और इस महाराणा दोनों ही टीमों ने देखें जरा किसमें कितना है दम वाली बात। और ये पहला सेमीफाइनल बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। Oh,
महाराणा प्रताप प्रेस का ये आयोजन भव्यता के रूप में आप सभी इस बार राज्य स्तरीय 40 वर्ष के उम्र के खिलाड़ियों का इसको व्यथा और गाथा ही कह सकते हैं। महाराणा प्रताप प्रेस का ये प्रयास आपके सामने अपने निरंतर अपने प्रयागराज के आगे की ओर बढ़ता हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं रेफरी का इशारा, प्रयागराज के पक्ष में बॉल, 12 नंबर के खिलाड़ी ने, सुल्तानपुर के खिलाड़ी का प्रयास। कोच मैनेजर आप सबसे मेरा अनुरोध कि इस डेकोरम को मेंटेन रखें, खेल नियमों के तहत होता है और नियम ही। और इसी बीच दूसरी दो टीमें जो कि सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं, महाराणा प्रताप ट्रस्ट वॉलीबॉल एकेडमी लखनऊ जा चुका है। मैं निवेदन करूंगा स्कोरर से कि माइक पे स्कोर से अवगत कराएं। नए स्कोर का इंतजार न करें, जो है वही बता दें। बहुत ही शानदार शॉट राजेश भाई के द्वारा में इस दौर में की फाइनल में प्रवेश करना है। आप देख रहे हैं फ्लक्चुएट होता है स्कोर, 21-22 का स्कोर। हमारे बीच महाराणा प्रताप प्रेस अच्छी ही बात है, किंतु जैसी कि हमारी परंपरा है कि सारे आगंतुकों का स्वागत किया ही जाता है। प्रयागराज की तरफ से सेट पॉइंट के लिए सर्विस की जाएगी, सर्विस नेट मार बैठे। अच्छा प्रयास, जैसा कि आप देख सकते हैं सचान, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप यहाँ जल्दी से आ जाएं, आपकी जरूरत है। दोनों ही अच्छा प्रयास, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रयागराज के खिलाड़ी द्वारा जो कि सफलता के रूप में अर्जित किया गया अंक। और कुछ घबरा गया सुल्तानपुर के खिलाड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल डिक्लेयर नहीं है ये, लेकिन परफॉर्मेंस ही बताता है शब्दों के रूप में। जैसा कि हम आपको अवगत करा रहे हैं दोनों ही टीमों के बीच कड़ा संघर्ष, सेमीफाइनल का आयोजन, दिमाग में फाइनल और अपने अपने कौशल का प्रदर्शन। आप देख सकते हैं क्या सुंदर बॉल को रिसीव किया 4 नंबर के खिलाड़ी ने। दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए, बहुत ही उम्दा जिसको कहते हैं खेल देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच। 40 वर्ष, आप सब जानते हैं कि मनुष्य कितनी कलाओं से पूर्ण होता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 32 कलाओं से पूर्ण थे, पशुओं को कलाओं का रूप दिया है भगवान ने।
मनुष्य कितनी कलाओं से पूर्ण होता है ये हम आपको बताएंगे अब से कुछ ही देर में, और उसके पहले आपको स्कोर से अवगत करा दें। चार अच्छे खेल का प्रदर्शन बॉल सुल्तानपुर के पक्ष में, 40 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों का ये दमखम, महाराणा प्रताप ट्रस्ट का आयोजन और महाराणा प्रताप बहुत ही सुंदर प्रयास जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं आजन होगा बड़ी देर से मैं रुकने का रहा हूं, आपको बता दूं हमारे एसटीएफ के डिप्टी एसपी ने ये आया कहा गया या कहा जाता है, अभ्यास में कहता है कि जो बड़ा हो और दूसरों को भी बड़ा करे, जो बड़ा हो और दूसरों को भी बड़ा। आपको इस श्री सीएन मेहता जी जो कि नेशनल प्लेयर वॉलीबॉल रहे हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर टेक्निकल बोर्ड ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में भी आपका दखल है, हमारे बीच उपस्थित हैं और आप ही के तत्वाधान में ये सारे फिक्स्चर और इन सारी कड़ियों का जोड़ना जैसा कि आप देख रहे हैं सीएन मेहता सर के ही है। और हमारे बीच जैसा कि अभी हमने आपको कहा इस प्रतियोगिता की बारीकियों से आपको अवगत कराते चले, अजय सिंह खोखर जो कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और चौक बॉल फेडरेशन के आप सीईओ भी हैं, इंडिया चौक बॉल फेडरेशन जो है उसके आप सीईओ भी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि बहुत ही अच्छी और सुंदर बात हुई है और दोनों ही बीचों के बीच दोनों ही टीमों के बीच कड़ा मुकाबला। रेफरी का इशारा बॉल सुल्तान प्रयागराज, आपको पैसा पैसा हमारा पैसा पैसा नहीं, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि कृपया विशेष सूचनाओं को विशेष नहीं जिसकी भी हो उसको वहाँ से हटाकर निश्चित स्थान पर खड़ा करें। सुल्तानपुर के खिलाड़ी का एक बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन प्रयागराज का एक बहुत अच्छा प्रयास के 12 नंबर के खिलाड़ी द्वारा अर्जित किया गया ये स्कोर। सुल्तानपुर के पक्ष में बॉल, स्कोर सुल्तानपुर 16 और प्रयागराज 11। एक अच्छा प्रयास, चरणों में दोनों ही टीमें एक दूसरे के सामने, कोई किसी से कम नहीं, 40 वर्ष का अनुभव गया, बहुत ही सुंदर बात। महाराणा प्रताप ट्रस्ट का ये आयोजन और खिलाड़ियों को अपने जौहर दिखाने का मौका, कौशल का प्रदर्शन करने का ये दो दिवसीय प्रतियोगिता के रूप का आयोजन, 40 वर्ष की आयु के खिलाड़ी, अच्छे खेल का प्रदर्शन, उनके साथ में आ जाए या तो फिर सामने चले जाए, जो भी लोग अभी भी बेसिन के पास खड़े हैं आप सबसे मेरा अनुरोध है, खिलाड़ियों के कंसंट्रेशन में बहुत ही अनुरोध पैदा होता है, इसीलिए होता है कि खिलाड़ियों के कोई दिक्कत ना हो इस तरीके की, और मैच में
पूरे स्वरूप में जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ही टीमें होंगे कड़ा संघर्ष। महाराणा प्रताप ट्रस्ट के इस प्रांगण में पहला सेमीफाइनल इस दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो कि 40 वर्ष के ऊपर के खिलाड़ियों का आयोजन आपके समक्ष खिलाड़ी अपने जौहर का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी समझते हैं जौहर एक उर्दू शब्द है, वीडियो बना रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि खिलाड़ियों की क्या इस समय भावना और उत्तेजना होगी कि फाइनल मेरे हाथ से ना जाए। सूर्य 23 और प्रयागराज 14। बहुत ही अच्छी शॉट आप देख सकते हैं 16 और सुल्तानपुर के। हाँ हो आजकल बस यही है बगल में यहीं पे 40 वर्ष की आयु के ऊपर के ये खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ 40 वर्ष से आयु के ऊपर के ये खिलाड़ी बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। उधर से जैसी शॉट थी वैसा ही रिसीव किया इधर से दोनों ही टीमें बहुत ही सूझबूझ के साथ सुल्तानपुर लीड लिए हुए 23-17 प्रयागराज से। जिन टीमों ने भाग किया है वो अपनी टीम की मेमरी यहाँ आकर दे रहे हैं ताकि बहुत ही अच्छी सर्विस आपने भी देखा 40 वर्ष बॉल प्रयागराज के पक्ष में बहुत ही अच्छी सर्विस लेकिन बॉल आउट है। बहुत ही पहला बहुत ही अच्छा डिफेंस और दूसरा बहुत ही अच्छा ब्लॉक आप देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार स्कोर 2-2 दो का स्कोर दोनों ही टीमें बहुत ही सुंदर शॉट देख सकते हैं एकदम भरपूर अंक में तब्दील किया स्कोर पहुंचा प्रयागराज 3 सुल्तानपुर 2। दोनों ही टीमों के अनुभवी खिलाड़ी अपने अपने अनुभव का परिचय देते बॉल स्कोर मैच निरंतर आगे बढ़ता हुआ दूसरा सेमीफाइनल महाराणा प्रताप ट्रस्ट का ये दो दिवसीय वॉलीबॉल का आयोजन 40 वर्ष के ऊपर की आयु के खिलाड़ी दोनों ही टीमें एक दूसरे के आमने सामने और ये तीसरी पारी खेली जा रही है जैसा कि आप देख रहे हैं स्कोर सुल्तानपुर 4 और प्रयागराज 5। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को उत्साहित करते हुए और सर्विस
बहुत ही अच्छी शॉट एक नंबर के खिलाड़ी के द्वारा जैसे सुल्तानपुर सेवन सेवन ऑल। अरे तुम राहुल से बात करो। रेफरी का इशारा बॉल अंकों में अर्जित हुआ सुल्तानपुर के पक्ष में। स्कोर सुल्तानपुर आठ प्रयागराज सात। बहुत ही अच्छे मैच का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के खिलाड़ी। कहां से क्या करना है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच एक अच्छा सामंजस्य। दूसरा सेमीफाइनल महाराणा प्रताप ट्रस्ट का ये एकेडमी का ग्राउंड। दोनों ही टीम हारी मानने को जैसा कि आप देख रहे हैं। सुल्तानपुर नौ प्रयागराज आठ। 40 वर्ष से आयु के ऊपर के खिलाड़ी अपने अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए ये सभी खिलाड़ी इस समागम को बहुत ही सुंदर रूप दे। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को दोनों ही टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को उत्साहित करते हुए एक दूसरे को बकअप करते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं। सुल्तानपुर 10 प्रयागराज 9। बहुत ही कांटे का कड़ा संघर्ष। महाराणा प्रताप ट्रस्ट द्वारा आयोजित दो दिवसीय वेटरन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन और सभी टीम के खिलाड़ियों से पीछे आगे पूरा कर सके। अभी तक हमारे पास देवरिया सभी खिलाड़ी कृपया ध्यान दें। अभी तक हमारे कहे गए हैं आपसे हम बार बार अनुरोध करेंगे कि अपनी टीम की नेम लिस्ट यहाँ दे जाएं ताकि हम सारी औपचारिकताएं पूरी करें। बहुत ही सर्विस जिसको खिलाड़ी आउट सोचकर हट गए और ये अंक प्रयागराज के पक्ष में। प्रयागराज 14 और सुल्तानपुर 13। बहुत ही अच्छी शॉट लेकिन उसी तरीके का डिफेंस। बढ़ोतरी सुल्तानपुर 14 प्रयागराज 15। तीन चार कुर्सियां बदले हैं। दोनों ही टीमें आपस में जिगजैग वाला और कहीं नहीं जगह है। कभी ये जैसा कि आप देख सकते हैं प्रयागराज। सत्रह पंद्रह का स्कोर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं निरंतर प्रयागराज अपने गंतव्य को पाने की कोशिश में। इसी बीच फिर दोनों खिलाड़ी मैदान में अपने अपने स्थान पर प्रयागराज 18 और सुल्तानपुर 15। दोनों ही टीमें एक दूसरे के आमने सामने बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। राष्ट्रीय खिलाड़ियों का ही एक प्रकार का यहाँ आगमन हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है ये। तो आगे बढ़ाते हुए
प्रयागराज अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। और टेंट वाले भैया, बार बार आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, यदि आप यहाँ हैं तो जल्दी से आ जाइए, आपकी जरूरत है। बहुत ही अच्छी शॉट प्रयागराज के, एक नंबर प्रयागराज 21 सुल्तानपुर 17 प्रयागराज की टीम द्वारा, लेकिन सुल्तानपुर भी किसी से कम नहीं, दोनों ही टीमें एक दूसरे के आमने सामने। पहला सेमीफाइनल बहुत ही सुंदर मैच का प्रदर्शन। स्कोर 22-18। और दूसरा और अंतिम दिन, पहला सेमीफाइनल, दोनों टीमें एक दूसरे के, हम दोनों ही टीमें उत्साह से ओवरथ्रो दिख रही हैं। प्रयागराज लीड किए हुए 23 अंक प्राप्त कर चुका है, सुल्तानपुर 19 पर। दोनों टीमें फिर एक बार आमने सामने, प्रयागराज के पक्ष में बॉल, एक नंबर के खिलाड़ी द्वारा तीव्र गति की सर्विस का प्रयास। बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन, रेफरी द्वारा दिया गया निर्णय लिया गया निर्णय, फिर से एक बार प्रयागराज के पक्ष में बॉल, बहुत ही अच्छी तीव्र गति की सर्विस सुल्तानपुर के खिलाड़ी ने रिसीव किया। जगह देखिए खिलाड़ियों का ये समागम, जैसा कि आप देख रहे हैं सुल्तानपुर के पक्ष में सर्विस थी। पहला सेमीफाइनल टेस्ट ऑफ फाइव का खेल, बहुत ही अच्छे खेल का प्रयास, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रयागराज के पक्ष में कर रहे थे। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध, अध्यक्षता का परिचय दें, आप अपने जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में, आपका आगमन हमारे लिए अलग होता है। डबल फॉल इनका नहीं बजाएगा। अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं 40 साल का अनुभव और वॉलीबॉल की तकनीकी, बहुत सुंदर खेल का प्रदर्शन। सुल्तानपुर 6-4 अच्छे खेल का प्रदर्शन। बहुत अच्छी शॉट, लेकिन एक अच्छा ब्लॉक, अच्छा सामंजस्य दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी शॉट, 11 नंबर के खिलाड़ी ने हाथ सेट हो गया।
वो बकअप करते हुए स्कोर 6-6 दोनों ही टीम रही बराबरी की स्कोर पर। प्रयागराज के पास सर्विस बहुत ही खिलाड़ियों में उत्साह बहुत ही तीव्र गति की सर्विस प्रयागराज की ओर से उसी तरीके का जवाब सुल्तानपुर की ओर तरगति ही होगा। खिलाड़ी कृपया ध्यान दें कि आप अपने का ध्यान रखें। ले लिए कॉपी आपने सहबाज भाई तीव्र गति की सर्विस प्रयागराज के द्वारा और उसी प्रकार सुप्रो पहला सेमीफाइनल चौथी पारी बेस्ट ऑफ फाइव का मैच दोनों ही टीमों के अनुभवी खिलाड़ी जैसा कि आप देख रहे हैं 40 वर्ष की आयु के ऊपर के ये खिलाड़ी बहुत ही मायने रखता है इस प्रकार परफॉर्म कर रहे हैं या आपको देखने को मिल रहा है। दोनों टीमें उत्साह से परिपूर्ण दिख रही हैं। फ्लक्चुएट होता हुआ स्कोर लेकिन प्रयागराज 3 अंक के लिए लिए हुए प्रयागराज बहुत ही तीव्र गति की सर्विस आपके समक्ष पुनः आप देख रहे हैं प्रदर्शन और आप सुन सकते हैं दोनों टीमें प्रयागराज के टीम के खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा प्रयास लेकिन प्रदर्शन इस दौड़ में प्रयागराज लीड किए हुए हैं सुल्तानपुर को 6 अंकों से लीड और ये बहुत अच्छी सर्विस तीव्र गति की दोनों ही टीमें एवं आयोजक चेयरपर्सन श्री धर्मेश कुमार शाही डिप्टी एसपी एसटीएफ की ये सोच कि वॉलीबॉल का आयोजन पहला आयोजन 40 वर्ष के ऊपर के खिलाड़ियों का आयोजन हो जो कि वेटरन्स कहलाते हैं आप सभी जानते हैं खेल के नियम है किंतु ये प्रतियोगिता 40 वर्ष के ऊपर के आयु के खिलाड़ियों की प्रतियोगिता वेटरन का प्रमाण है कि इस 2 दिवसीय वॉलीबॉल समागम में महाराणा प्रताप ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम का दूसरा अंतिम दिन पहला सेमीफाइनल अपने अंतिम चरण में